अभी बैठे बैठे ऐसे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, यहाँ से एक सांप निकल के मेरे पास आ जाए तो ऐसे करके फुल कंटेंट मिल जाएगा। नहीं तो गाइस कमेंट करो सांप आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। भाई मैं ऐसे लड़के लोगों को जानता हूँ जमशेदपुर के, जा रहे थे ना ऐसे पकड़ते उसको और फिर घर जाके विथ राइस। सच में? हाँ मैं जानता हूँ। सुन ना देख, मेरे को तो मन है खाने का, ठीक है? तुम खाएगी? तुम खाएगी? मन तो नहीं है पर तुम लोग खाओगे तो थोड़ा सा खा लूंगी मैं। थोड़ा सा क्या, आलू भुजिया क्या, थोड़ा सा ले लेंगे। खाएगी तो पूरा ही खाएगी ना भाई, मतलब हाँ नहीं बोलना एक बार में। और भाई तुम्हें ऑनेस्ट गोलगप्पा का रिव्यू दूं, एकदम थर्ड क्लास, एकदम थर्ड क्लास, क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे रोहन सेठी व्लॉग्स में। भाई व्लॉग्स कैसे लगते हैं? अरे बहुत सही, वेरी एंटरटेनिंग। सीरियसली बता, व्लॉग्स कैसे लगते हैं? सही में बहुत ही एंटरटेनिंग। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय दोस्त का चैनल रोहन शेट्टी। और आज फिर से हम शुरू कर रहे हैं ब्लॉग। मतलब कल मैं जा रहा हूँ जमशेदपुर वापस, तो प्रैक्टिकली 2023 से पहले आज मेरा आखिरी दिन है कोलकाता में। तो भाई आखिरी दिन हमारा वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए हम जा रहे हैं कुछ खाने, मतलब कुछ खाने नहीं भाई, मतलब पूरा दिन एंजॉय करेंगे यार। और 21st मतलब कल था मेरा आखिरी दिन ऑफ एग्जाम, तो भाई इसी बात पे चक लो पकड़ कैमरा पकड़। हाँ भाई मेरा एग्जाम हो चुका है खत्म। नहीं तो कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि एग्जाम मेरा कैसा गया है। एक दो एग्जाम से मेरे इतने भाई याद गए ना, मैं बताना नहीं चाहता। तो आज हमारा दिन पूरा का पूरा हाथ में है। हाथ तो भाई थोड़ा बस हाथ ही नहीं है, बस दिखाएंगे आपको क्या क्या करते हैं। अभी तो ऐसे बच गए चार, भाई भूख लगी हुई थी बहुत तेज, इन्हें बुलाया हुआ था सुबह से बट ये अभी आए हैं, तो फिर कोई बात नहीं, जाएंगे कुछ खाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। ये सिर्फ फिटनेस या कोई व्लॉगिंग चैनल नहीं है भाई, ये ऑलराउंडर चैनल है। फूड रिव्यूज भी मिलेंगे तुम्हें, जिम के भी कंटेंट मिलेगा, जिम का कुछ दिन बाद मिलेगा बिकॉज तो चल रहा पकड़ लेता हूँ मैं। तुम्हें तो पता ही है रईस बंदे हैं हम लोग, मतलब बेसिकली इनके साथ कहीं भी घूमने जाओ। अरे भाई ऑन मार ले, ऐसे लाइटिंग अच्छा आएगा। तो रईस बंदे ये लोग, इनके साथ कहीं भी जाते हैं, कैब में जाते हैं। देख गूगल मैप्स खोल लो, थोड़ा आइडिया कम है। कमेंट बताना तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है, लड़कियों का भाई नहीं लड़कों का भाई। गाना गा दे आज एक बार, कोई भी गाना गा दे ना जल्दी से। जिप्सी हाय मेरे बालों में थारे धारे चलावे जिप्सी। रहने दो रहने दो रहने दो। आओ भाई, तो अभी हम लोग जा रहे कोई प्यारा सा कैफे, इन्होंने बोला प्यारा सा है, मेरे को तो पता नहीं भाई। कैफे जाने का एकदम मन नहीं था, कसम बता रहा हूँ आज तो। पैसे बर्बाद होते कैफे जाके और कुछ नहीं, एक तो स्प्लिट पे ही बिल आता है ना, तो और खराब लगता है। गाली मत दिया करो। नहीं तुम तो देखते ही नहीं हो। भाई तो मैं गाली देता हूँ भाई, कमेंट में बताना मैं कभी गाली दिया हूँ आज तक ब्लॉग में। गाइस मैं इसको घर पे बैठ के बोली कैफे भेज के कि देख लो तुम डिसाइड करो तुमको कहाँ जाना है, टोटली अप टू यू, ठीक है? वो देख के ओके ओके लिख के भेजा और जब घर आए तो रेडी भी नहीं हुआ था, आधा घंटा लिया रेडी होने के लिए और अभी बोल रहे कैफे नहीं चलना, उतर जाते इधर। ये कोई मतलब थोड़ी है कि भाई पूरा टाइम फ्री रहता हूँ। आज मैंने वीडियो भी अपलोड किया, सर बताना किया कि नहीं वीडियो अपलोड। भाई देख रहे हो पूरा भाई स्ट्रगल कर रहा हूँ अभी तो, एकदम मेरा बस चले तो मैं एवरीडे व्लॉगिंग कर दूँ, पर भाई आप लोग देखते ही नहीं हो यार वीडियोस, थोड़ा गैप देना पड़ता है यार। तो वीडियोस इसलिए देखा करो, रेगुलर वीडियोस देखोगे तो मेरा भी थोड़ा एडिटिंग का स्पीड और बढ़ेगा, जो कि बढ़ा ही हुआ है फिर भी और बढ़ जाएगा। और थोड़ा जो कैमरा के सामने थोड़ी सी शाइनेस है ना, वो भी चल जाएगी अब तो। शाइनेस शर्म है जल्दी पहुंच भी गए। हाँ। भाई मेरे को लगा था कम से कम एक घंटा तो लगेगा। लिफ्ट उतना छोटा है, बंद तो कर। ये मत बोलना कि रोहन पार्टी दे रहा है गलती से भी। कैफे का नाम ये है देख लो, अगर मेरे से गलत प्रनाउंस हुआ तो फिर कमेंट में गाली मत देना। पहले बैठे थे हम लोग अंदर पर फिर आके बैठ गए बाहर, क्योंकि अंदर ना थोड़ी सी म्यूजिक चल रही थी। मैंने लास्ट व्लॉग में नोटिस किया कि वो और पीछे आवाज़ आते रहती है, बट आईफोन का कैमरा क्वालिटी और वीडियो ये जो भी है कैचिंग वाला पूरा अल्ट्रा ही लेवल अच्छा है। उस दिन थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी और इतना जोर बजने लग गया, मैंने सोचा कि भाई आज रिस्क नहीं लेना, अंदर नहीं बैठे इसलिए बाहर बैठ गए सिर्फ व्लॉग के लिए। इसी बात पर लाइक कर दो भाई। सुनो मेरा भी एक फोटो ले लेना ऐसे व्लॉग करते करते। ऐसे लेना है? ले ले जैसे सही लगे। स्ट्रगल देख रहे हो भाई जिंदगी में, इस साथ में चोट लगा है फिर भी ब्लॉक कर रहा हूँ। ठंड में ना मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। ये देखो ये तो जिम से हुआ है, ठीक है, और ये हाथ में ना पता नहीं इतना ड्राई तो नहीं है मेरा हाथ। मेरा हाथ देखो सबसे अच्छा तो मेरा है, पर मैं मॉइस्चराइजर भी लगाता हूँ, पता नहीं रोहन मॉइस्चराइजर अब वो फंबल हो जाता है ना, यही चीज को सही कर रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई एवरीडे ब्लॉग बनाऊंगा। हाड़ पत्ती के अंदर मत घुस जाओ कीड़ा काट लेगा।
फुल नेचर रिलेटेड पूरा कैफे है, पूरा नेचर वेचर है और अंदर पूरा साइकिल थीम से बना हुआ है। अब बोलो पसंद अंदर मैं दिखाऊंगा क्या कैफे। हाँ। खाने के बाद दिखूंगा ना भाई एम्बियंस का क्या है, तुम्हें तो पता ही है हमें कैसे भी खा लेते हैं। बताया था ना लास्ट व्लॉग में, नहीं देखा तो नीचे देख लो लिंक, वेज खाने से होती है पैसे बर्बाद। तो हम लोग खाएंगे। अच्छा सुनो, मैं बोल रहा था कि स्टार्टर तो हमने एक ही किया है, तो एक और स्टार्टर कर देते हैं। और अगर पेट नहीं भरा, क्योंकि मेरे को पता है पेट भरेगा नहीं, फिर यहाँ से निकलने के बाद तो थोड़ा डोलेंगे भवानीपुर में, मतलब मेरे घर के पास थोड़ा सा डोलेंगे और फिर भूख लगेगा तो जाएंगे जय हिंद ढाबा का रोल खाने। क्योंकि भाई दो दिन पहले मैंने खाया था, मुझे एग्जाम का थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, रात में ऑर्डर किया था 3 बजे, खाया फिर और भाई बढ़िया से सोया उसके बाद। चिकन कबाब रोल बहुत बढ़िया। अभी बैठे बैठे ऐसे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, यहाँ से एक सांप निकल के मेरे पास आ जाए तो ऐसे करके फुल कंटेंट मिल जाएगा। नहीं तो गाइस कमेंट करो सांप आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाँ भाई, तो ऑर्डर देने के लिए मैंने बुलाया, उनने सुना ही नहीं, तो अब खुद जाना पड़ रहा है ऑर्डर देने। तो अंदर से दिखाते हैं आपको भी भैया, एक वो भी कर लीजिएगा बारबेक्यू चिकन। तो भाई अंदर से दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। साइकिल थीम बेस्ड कैफे है। अच्छा सुनने, एक बात बताओ, मैं जा रहा हूँ कल घर, तो मेरे को कंटिन्यूएशन व्लॉग बनाना चाहिए कि आज ही एंड कर दूँ, क्योंकि वो फिर मेरे को लगता है कि कल वाला अलग से रखना चाहिए, है ना? दो वीडियो और बन जाएंगे। भाई दिखावा क्या, अब तो दिखाने लायक बच्चे भी नहीं है कुछ, हाथ में चोट लग गई है। हाँ भाई, तो जो लोग जिम जाते हो तो वो लोग मेरे से रिलेट कर पाते होगी कि अगर तुम एक वीक जिम ना जाओ तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि भाई तुम्हारी सारी ताकत सारी स्ट्रेंथ सब कुछ खत्म हो चुकी है। होता है कि नहीं भाई, कमेंट बताना। और आए हुए आधा घंटा हो चुका है, खाना एकदम नहीं आया है, भाई रूखे सूखे पड़े हुए हैं, मम्मी का राजा बेटा उदास हो चुका है क्योंकि खाना नहीं आया है। भाई ये क्या आवाज आ रहा है यहाँ से, अंदर जाके बैठते हैं हम लोग, भाई क्या क्या आ जाए यहाँ से कंटेंट के कारण जान ना चल रहा है मेरा। भाई मुझे तो मजाक लग रहा था, ये कौन सा किंगफिशर आ गया है, किंगफिशर ही बोलते हैं ना इसको, देख रहे हो भाई वैरायटी ऑफ चिड़िया इन द कैफे। भाई मैं ऐसे लड़के लोगों को जानता हूँ जमशेदपुर के, जा रहे थे ना ऐसे पकड़ते उसको और फिर घर जाके विथ राइस। सच में? हाँ मैं जानता हूँ। अगर आपको रियल मैन वर्सेस वाइल्ड देखना है तो प्लीज, इफ यू आर नॉट फ्रॉम जमशेदपुर यू मस्ट विजिट जमशेदपुर। राइस अनियन एंड ओए होए होए होए, कुरको थोड़ा सामने जाता हूँ गाइस, जिंदगी रिस्क पे करते हुए उड़ गया। बताओ लल्लू लुल्ली रोहन गाइस, देख रहे हो मेरे को भी एक दिन ऐसी कैफे आना है भाई, देख लो ऐसे कैफे में लाना है तो फिर मतलब आपको तो पता ही है प्रोसेस, डीएम मी ऑन आईजी। भाई अभी कसम बता रहा हूँ लाइव एक्सीडेंट हो जाता, ठीक है मैं ऐसी मजाक में एक दो बार बोला, न्यूज रिपोर्टर वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन अरे भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ मेरी फटती नहीं, ठीक है, पर हम पे अटैक हो रहा है। भाई मैं दुनिया भर के लोगों से लड़ सकता हूँ पर ऐसे जानवर से नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं जानवर सबको हार्म नहीं करना चाहता यार। भाई अंदर बैठने चले प्लीज। भाई अभी तो खाना आया नहीं तब अटैक हो रहा है, खाना आएगा तो फिर क्या होगा पता नहीं। देखियो 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 चिड़िया। भाई चिड़िया घर में आ गए हम लोग, और नहीं बैठ रहा, प्लीज उठा लो सामान प्लीज। नहीं कुछ करेगा, बैठ गया सर पे आके। तो लाइटिंग तो बहुत अच्छी आ रही है, खूबसूरत लग रहा हो तो कमेंट बताना, अब अंदर का सीन मिलेगा तुम्हें। भैया चिड़िया विड़िया तो बहुत है यहाँ पे, ये पेट किया हुआ है कि ऐसी है? नहीं ऐसी है भैया, अटैक वटैक कर दे रहे थे तो मेरे पे। इफ रहा नहीं जाता हैड अ फेस, मेरे को थोड़ा ज्यादा भैया। भैया YouTube पे वीडियो देखते हो? हाँ YouTube चैनल है भैया, सब्सक्राइब कर देना। ये देखने में तो कितना प्यारा लग रहा है भाई, खा के बता दे तुम्हें कैसा है। टेस्ट हुए थे आज? बढ़िया है, खट्टा खट्टा तीखा तीखा, जस्ट लाइक बोलिए जस्ट लाइक अपने पीजी का खाना। कंपेयर करने का कोई तरीका ही, खाना तो अच्छा है नो डाउट। मेन्यू के दूसरा नंबर पे है ब्लू लगून, वर्जिन ब्लू लगून। भाई हम लोग पीते भी है तो वर्जिन, थोड़ा फोकस करें खाना खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन है आज, भले इस प्लेट पे भी लो थोड़ा ज़्यादा खाया करो, है ना? तो उधर भी दिखा दे। बस इतना ही चीज़, अगर मैं 2-3 दिन और खाया ना मेरे सारे जो एब्स दिख रहे हैं ना 4 सब गायब हो जाएंगे मेरे भी।
तो अभी एक्टिंग करने जा रहा हूँ मैं, अ डे इन लाइफ ऑफ फूड ब्लॉगर का 14। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रिव्यू देने वाले हैं पिज्ज़ा का। पिज्ज़ा खाने आए हुए हैं हम। ये कैफे का नाम मैं बता दूंगा क्योंकि मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा अभी इतना फास्ट में। तो अभी हम खाएंगे इसको ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स के साथ, सॉरी ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स के साथ। तो जल्दी से इसको डाल देते हैं। तो जैसा कि हमने डाल दिया है ओरिगैनो एंड चिली फ्लेक्स, तो अभी हम आपको देंगे फूड टेस्ट। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं पिज्ज़ा खाया है मैंने अभी, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। इसमें डाला हुआ है प्याज, पुदीना, चीज़, कैप्सिकम, अनियन, प्याज। और इसको आप ऐसे भी खा सकते हो और या ऐसे भी खा सकते हो या तो ऐसे भी खा सकते हो, फोल्ड करके रोटी से खा सकते हो। आप फोल्ड करके रोटी जैसे कोई नहीं खाता है। हेलो, आप मत बोले, फूड ब्लॉगर मैं हूँ, आप नहीं हो, ठीक है। आज मैंने ऑर्डर किया था इसलिए कसम भगवान बहुत अच्छा खाना मिला है। तो अब जल्दी दिखाते हैं और यहाँ से निकल के दिखाते हैं, कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग। इतने बढ़िया कैफे में आए थे, इतना छोटा सा लिफ्ट बनाया इन्होंने, ठीक है, मतलब अकेले नीचे जाना पड़ रहा है। वो दोनों तो पहले ही चल गए नीचे, कोई कदर ही नहीं है भाई। कहाँ चल रहे हम पहले वो तो बताओ। भवानीपुर, घर के पास। अब घर के पास थोड़ा डोलेंगे शाम में। कहाँ डोलना है? डोलना मेरे डोलना, वही ऐसे गाना है ना कुछ, बोलना। अच्छा बोलना है वो, सॉरी 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 गाइस। थोड़ा सा डोलेंगे, वहाँ पर एक मॉल भी है तो मैं दिखाते हैं गाइस। थोड़ा सा विंडो मार लेंगे आज क्योंकि पैसे थोड़े से बचे हैं नहीं, 200 रुपए बैंक में और तो कुछ नहीं। कैब करो, कैब में जाएंगे गाइस, रिच किड्स ऑफ कोलकाता एंड जमशेदपुर। अभी हम लोग का हो चुका है खाना, फूड ब्लॉगिंग मेरा खत्म हुआ है यहाँ पे अभी, और अभी दिखाएंगे लाइफस्टाइल तुम्हें अपना। क्या गाड़ी आ गया शायद। तो गाइस अभी कैब कर लिए भाई, अच्छा खाना खा गया ना, पेट में थोड़ी सी ना अजीब लग रही है, पता नहीं क्यों, पेट खराब ना हो जाए ज्यादा देर पहले। चलते कैब वाले भैया गाली देंगे, वो भी हिंदी में। चलो, हिंदी में गाली थोड़ी खराब लगती है ना, इंग्लिश में चलो फक वक चल जाते हैं, लेकिन अगर वो हिंदी में बोले। तो भाई मेरा लास्ट डे कोलकाता में 2023, अरे 2023 के पहले। तो भाई लास्ट डे 2023 के पहले, मेरे को इतना खराब लग रहा है ना, इतना टाइम से दांत फाड़ के हंस रहा था ब्लॉग में रो रहा है। गाइस सब्सक्राइब, बहुत खराब लग रहा है, एक सेकंड आवाज आ रही होगी तुम्हें। हाँ भाई, तो कहा था मैं, बहुत खराब लग रहा है। इसी बात पे जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना, 2023 में 1 मिलियन हो जाने चाहिए पूरे। सब बाहर तक देख रहे हैं। भैया आप यूट्यूब में वीडियो देखते हो? भैया मेरा चैनल एक सब्सक्राइब कर देना। 50 लाख बंदे तो देखते ही है यार, अगर अभी नहीं देखते तो कुछ दिन में देख लेंगे। शाबाश। वो अंकल लोग नहीं होते जो कहीं बैठते तो ऐसे बोलते शाबाश, वैसा तो फीलिंग आने लग गया मेरे को। अंकल हम वो वाले मास्टर जी बनेंगे जो हर पार्टी में कलेश करते हैं। वो एक बंदा हर पार्टी में होता होगा जो थोड़ा सा पीने के बाद, मैं पीऊंगा तो नहीं, पीने का थोड़ा सा जो नहीं होता पंजाबी शादी में होता ही है कि कंबल एक्सचेंज वाला, भाई मुझे तो कंबल मिले ही नहीं। आ गए फोरम के ये सामने साइड है, फ्रंट है बैक जो भी है। तो अभी अंदर जाएंगे और ना तुम्हारे भाई को एक घड़ी पसंद आया था तो जाके देखते हैं, मन तो है लेने का पर आज तो विंडो ही होगा। हमें चलो गाइस कट करते चलते अंदर। तो अगर मेरे वीडियो में 100 लाइक आ गए तो सबसे पहला काम करूंगा वो घड़ी खरीदूंगा जाके, 20% ऑफ भी है उस पे, तो ऑफ ऑफ कुछ नहीं कराना, रेट टू रेट लूंगा। 8900 का है, 8900 का ही लूंगा। गाइस देखो कितना बढ़िया मॉल है, ठीक है। हाँ भाई, तो जैसे रिलेशनशिप के बाद होती है ब्रेकअप वैसी हो गई है अभी सुबह से शाम। हेलो सो लेम रोहन। और भाई मैं जैसे हर व्लॉग में बोलता हूँ फुल न्यूज रिपोर्टर जैसी फीलिंग आ रही है, पीछे से लोग देख रहे हैं पर कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे। इतना थक गए ना, मतलब मेरे को लगा था कि 4 घंटे में क्या ही हो जाएगा पर एनर्जी पूरा ड्रेन हो गया, पता नहीं क्यों। खाना खाने के बाद नींद आने लग गई थी और नींद आने से सोए तो नहीं हम लोग फुल और इधर उधर। अभी हम लोग कुछ खाएंगे, ऐसे प्रिया बोली है कि ब्राउनी खिलाएगी, तो देखते हैं कितना खिलाती है। मैंने नहीं बोला ऐसा, झूठ भाई बोली थी यार, मैंने बोला खाते हैं। हाँ खाते हैं मतलब खिलाते हैं। नहीं, वेदर थोड़ा सा ठंडा हो गया और हम लोग खुले में आके बैठे हैं क्योंकि अंदर शोर है और भाई शोर में व्लॉग अच्छी आएगी नहीं, तो कंटेंट के लिए कुछ भी, पूरा फूड रिव्यू व्लॉग ही हो गया। नहीं अच्छा है? कभी कभी कुछ अलग होना चाहिए। अलग तो भाई मैं करता आ रहा हूँ इसीलिए अलग ही हो गया भाई। टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज। रोहन सेठी ने ब्लॉग को छोड़ के ही बहुत कुछ करना चालू कर दिया है। मैं उस यूट्यूबर का नाम लेना नहीं चाहता पर आप सबको उसको जानते होंगे, ही इज द क्रिंजिएस्ट गाय
क्योंकि भाई वो कुछ भी बोलता है और फिटनेस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, ऐसा वो सोचता है। आज मैं भी उसकी तरह मोटिवेट करूंगा। अगर तुम्हारे पास स्किपिंग रोप नहीं है और मफलर है तो भाई तुम इससे स्किपिंग कर सकते हो, फुल फिटनेस लोगे। मजा आया। और अगर आप मेरे से पूछते मेरा डाइट क्या है तो मैं खाता हूँ मैगी, कमेंट में हेट करने लग जाएंगे। भाई नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, वो यूट्यूबर को हेट देना जितना देना है, मेरे को नहीं देना। मेरे पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो और अभी दिखाते हैं आगे। हाँ भाई, तो मुझे समझ आ गया है कि ये वीडियो को क्या नाम दूंगा। वीडियो का नाम दूंगा मैं फुल डे ऑफ ईटिंग। हाँ भाई, तो सही है। और अभी आए हुए गोलगप्पा खाने, क्योंकि इसको बंदा मैं तो खाऊंगा नहीं। तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई डाइट कॉन्शियस है, सॉरी हेल्थ कॉन्शियस है। तो भाई मैं नहीं खा रहा, यही खाएंगे। तो ये लोग तुम्हें देगी टेस्ट रिव्यू। मेरा तो ऑनेस्ट होता भाई, इनका पता नहीं डालूंगा। हाँ मैं ऐसे सबके सामने बोलता तो नहीं, लेकिन थोड़ा कम ही खाना चाहिए यार, ये सब ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बाहर का कम ही खाओ तो अच्छा है, ठीक है, कभी कभी सही रहता है। टेस्ट रिव्यू दे। खाने दो, खाया नहीं अभी तक। एक तो खाली झुट्टी। गाइस वो बस टेस्ट रिव्यू देने के लिए खा रहा हूँ, ऐसे नहीं खाता मैं। सोसो है, मेरे को तो मन है खाने का, ठीक है। तुम खाएगी? तुम खाएगी? मन तो नहीं है पर तुम लोग खाओगे तो थोड़ा सा क्या, आलू भुजिया है क्या, थोड़ा सा ले लेंगे। खाएगी तो पूरा ही खाएगी ना भाई, मतलब हाँ नहीं बोलना। एक बार मैं ऑनेस्ट गोलगप्पा का रिव्यू दूँ, एकदम थर्ड क्लास, क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे रोहन सेठी व्लॉग्स में। अंकल आइसक्रीम दे दो, मेरा फेवरेट ये वाला देना, चीज़ केक। मैं तुम्हारे सामने, हाँ चीज़ केक वो 70 वाला आता है ना, तुम्हारे सामने आज अपना एक सीक्रेट दे दिया। मेरा फेवरेट आइसक्रीम है चीज केक, वो क्वालिटी बॉल्स का। जिसको चीज पसंद नहीं है कभी मत खाना, बहुत गंदा लगेगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट इसको बहुत अच्छा लगता है और इसको भी बहुत अच्छा। तुम्हारा टेस्ट बेकार है ना, ये मेरा फेवरेट है। मतलब ऐसा नहीं कि फेवरेट है, मेरे 2-3 आइसक्रीम मुझे, अरे बोल लेन देख, मेरे को 2-3 आइसक्रीम पसंद है तो उसमें से एक ही है। तू एक और खा रही है, देख लो गाइस, इन्फ्लुएंस सब्सक्राइब रोहन जेडी व्लॉग्स। तो टेस्ट रिव्यू गाइस 10 out of 10, क्योंकि भाई मेरा फेवरेट है तो तुम्हें पसंद आएगी। खा के बताना तुम्हें कमेंट में कैसा लगा। स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, बस मेरा पसंद है इसलिए तुमसे शेयर कर रहा हूँ। और भाई क्रिसमस आया हुआ है तो देखो फुल लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है। मैं तो कल जा रहा हूँ पर कोई नहीं, जो लोग यहाँ रहेंगे मेरी क्रिसमस, और जो लोग हर जगह भाई देख रहे हैं मेरी क्रिसमस, उस दिन भी ब्लॉग करूँगा भाई। मेरा आइसक्रीम हो गया खत्म अभी। प्रिया का आइसक्रीम टूट गया था नीचे से, नीचे वाला पार्ट तो बहुत अच्छा है। प्रिया तुम्हें तो पसंद है ना बहुत, बड़े बड़े बैग लेके अभी H&M से भी शॉपिंग कर रहे हैं। भाई तुम्हारे भाई को पुराने दिन याद आ गए अपने, कि जब मैं भी वैसे शॉपिंग किया करता था, पर अब क्या है कि पापा का थोड़ा सा खर्चा वर्चा नहीं करता हूँ मैं, पैसे ऐसे बचाता हूँ इसलिए मैं शॉपिंग वॉपिंग नहीं कर रहा हूँ। अब जब खुद कमाऊंगा तब लूंगा, और आज विंडो भी नहीं किया, और मेरे को मन किया तो और एक दो विंडो कर लूं, पर फिर क्या है ना कि तुम्हारे भाई को मन कर जाता कुछ खरीदने का। हाँ तो अभी प्रिया बताइए कि उसकी मम्मी भी मेरा व्लॉग देखी है, तो आंटी से भी उनका रिव्यू लेंगी कि मेरा व्लॉग उनको कैसा लगता है। बैठे बैठे प्रिया वीडियो कॉल ऑलरेडी कर चुकी है। नमस्ते आंटी। अरे चेहरा नहीं दिख रहा मेरा फ्लैश पे, कैसे है? बढ़िया बढ़िया। आंटी एक बार बताइएगा व्लॉग में ले रहा हूँ, व्लॉग कैसे लगते हैं मेरे? बहुत अच्छा। आंटी मैं बोल रहा था कि बोल दीजिए सबको सब्सक्राइब करने, सब सब्सक्राइब कर देंगे एक बार। हाँ बिल्कुल, सब कोई देखो रोहन का ब्लॉग और सब्सक्राइब करो, अरे भी करो, बहुत बहुत थैंक यू आंटी। सो गाइस 2023 केम टू एन एंड, तो भाई आखिरी बार मिल, सॉरी 2022 भाई आखिरी बार मिल रहे हैं अभी। मेरे को पता है तुमने दोनों का रोने का मन कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतना बंदा हूँ ही खास। अभी मत रोना, थोड़ा सा आगे बढ़ के रोना चालू कर देना, और तो चलो बाय बोलते हैं इनको और फिर हम भी बढ़ते हैं घर अपने। हाँ भाई, तो रास्ते में घर जा रहा था, मेरे एक जिम में एक बंदा सेम टाइम में आता है, तो फिर रास्ते में मिल गया। भाई व्लॉग्स कैसे लगते हैं? अरे बहुत सही, वेरी एंटरटेनिंग। व्लॉग्स कैसे लगते हैं? सही में बहुत ही एंटरटेनिंग, मजा आता है देखने में, सही लगता है एकदम। हाँ तो भाई पल्ला अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने, ठीक है, सबको शेयर करना, फुल सपोर्ट। चलो भाई, ठीक है भाई, बाय बाय। सो भाई आज का दिन हुआ खत्म, ये वीडियो मैं अभी यहीं एंड करूंगा, क्योंकि घर जाके मेरे को एक और वीडियो स्टार्ट करना है। तुरंत तो स्टार्ट नहीं करूंगा, हो सकता है कल सुबह स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं कल अपने घर वापस ट्रैवल कर रहा हूं। मैंने सोचा था ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर दूंगा, पर नहीं यार, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो मेरा, तो ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। किसी भी रीजन से ये वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक सेकेंड, लव यू।
ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਬਿੱਲੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਤੂੰ ਬਿੱਲੋ।